हाँ जी यस, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड गिवन यू अ फ्यू टर्म्स फॉर व्हिच यू आर सपोज टू फाइंड द मीनिंग एंड डिस्कस इन क्लास, प्रेजेंट इन क्लास. हाउ मेनी ऑफ यू हैड फाइंड द मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स एक साहिल के अलावा? बिकॉज साहिल ने तो आते बता दिया कि उसने सर्च की है. मैंने क्यों दिया था वैसे सर्च करने के लिए बताने का, तो मैं भी क्लास में बता रही थी. इवन देन आई हैड गिवन यू द टर्म्स टू सर्च. Why I had given these terms to for you to search? Because when you search for any information yourself, you are able to retain it for more time, and you are able to make it clear. ठीक है, ज्यादा क्लियरली आपको समझ आ सकती है. आप उसकी एग्जांपल्स नेट पे चेक कर सकते हो, लेटेस्ट उसके रिलेटेड क्राइम्स को सर्च कर सकते हो. तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. दैट्स व्हाई आई हैड गिवन दीज टर्म्स फॉर यू टू सर्च. बाकी सारा दिन बैठ के हम शॉपिंग एप्स यूज कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, न्यू चीजें फाइंड आउट करने के लिए. 5 मिनट लगा के हम टर्म्स को सर्च नहीं कर सकते उनका मीनिंग देखने के लिए. व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह सकते हैं, पोस्ट मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं. 5 मिनट्स लगा के तुम लोग एक टर्म्स, 4 टर्म्स दी थी सिर्फ, वो सर्च नहीं कर सके. इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास. मैम कैन आई? जस्ट अ मिनट. हाँ जी, रेस्ट ऑफ यू रेज योर हैंड्स जिस जिसने टर्म्स ऑनेस्टली सर्च की है. यहाँ प्रेजेंट ऑफलाइन में साहिल ने की है और धीरेन. एनीबडी एल्स? हाँ जी, परमीत, रमनजीत, मितांश, जयंती. आई यू हैड नॉट डन द वर्क. रमनजीत, सिमरन, आई हैड गिवन यू अ फ्यू टर्म्स टू सर्च फॉर देम, व्हाई यू डिडंट डू दैट? ओके जयंती, okay Jayati, give me the meaning of one term, any one term. Ma'am, cryptocurrency, it is a type of digital currency which acts as a medium of exchange. Okay, and what are the various types of cryptocurrency? Examples kon kon si dekhi aapne? Ma'am, I have searched the examples of India, like a Bitcoin, okay. Tether, Ethereum, easy Ethereum, Cardano. Okay. Anji, Pranay. Phishing is a criminal attack to steal the user data such as username, password, or credit card details. Okay, phishing is a criminal act for finding out the your personal information. Attack. Details and attack it. Obviously hack कर लिया आपकी information use करके, they can do anything. हाँ जी धीरेन. Ransomware is a type of malware which is used to exchange or take away or threaten the public information and the personal data of different users. Okay, हाँ जी साहिल. Cryptojacking. Definitions या जो भी types आप present कर रहे हो, they should be clear to you first of all. सिर्फ copy करके नहीं देखो उसको, या सिर्फ meaning पढ़ना नहीं है. अगर आपको उस line का meaning समझ में आया, only then you will be able to explain it. Okay, चलो cryptocurrency, साहिल. ओके, हैकर्स यूज कैसे डिजिटल करेंसी कैसे यूज होती है? मैम यस मैम, मैं एयरटेल क्रिप्टो जैकी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज होती है, कहाँ यूज हो रही है? बिटकॉइन है, इसका कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? सिक्योर पेमेंट. हाँ, सिक्योर पेमेंट. ओके, एनीथिंग एल्स?
Ma'am, many companies today are accepting bitcoins as a money base or money amount. Okay. Instead of money, they can use these types of currencies, digital currencies, for selling and buying the products. ठीक है, मोस्टली जो यूज होते, जैसे हमारा आर्ट वर्क है, किसी ने डिजिटल आर्ट्स बना रहे हैं, 3D बना रहे हैं, कुछ आइकन्स बना रहे हैं, 3D ग्राफिक्स बना रहे हैं, दे कैन, देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ऑन विच यू कैन सेल योर आर्ट वर्क. देर आर मेनी बायर्स एंड कलेक्टर्स आर देयर, एंड ऑन दोज वेब पोर्टल्स, ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स, दे आर नॉट यूजिंग द नॉर्मल रुपीज और डॉलर्स, दे आर यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, यू हैव टू पुट सम इनिशियल, मे बी सम वेबसाइट्स यू हैव टू पुट सम इनिशियल अमाउंट, और मे बी यू डू नॉट नीड देम, ऑन सम वेब पोर्टल्स आर फ्री, बट व्हेन यू सेल योर आर्टवर्क, व्हेन यू सेल योर आर्टवर्क, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू इन मनी फॉर्म, इन रुपीज और इन डॉलर फॉर्म, दे पे यू इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, मे बी इथेरियम, मे बी एनी अदर करेंसी. ठीक है, देन इन योर अकाउंट दैट मच इथेरियम्स आर देयर. And later on, if you need to buy something on that same platform, you can use the same currency. Okay, you can use the same currency to exchange the various things on the that web portal, like you are using the normal currency. Okay, and when hackers are there, they can hack your accounts and use that money, use that digital currency. Okay, so cryptocurrencies can be used. They are currently the trend they are using on web, many web portals, they are using the cryptocurrency like Bitcoin. They are creating customers, chain work hota hai. Jaise aapne ek customer hai, next aapne aur do create kiye, do ne aage fir char create kiye, to aapke jo bitcoins hai, they are getting multiplied. Theek hai, to wo aapki currency hai, they are, that is not in the rupees or dollar form, they are in the other form, in the other currency form, digital currency form. क्रिप्टो हाँ सिक्योर तो है ये, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग, इज चेंजिंग इन बाय यूजिंग हैंड्स और अकाउंट्स. ठीक है, सेम वेब पोर्टल पे यूज हो रही है. मैम यस, ओनली वन मिनट. मैंने जो देखा है पर्सनली, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, that is for selling and buying the artwork. Ethereums are used in NFTs. ठीक है, जो आंके होते हैं, जो 3D graphics या graphics create करते हैं, they are having some platform, they are having their community called NFT. They call them NFTs अपने, ठीक है, and they, when they use the sell their work or for bidding के लिए वो अपना work portal पे publish करते हैं, तो they are bidding जो होती है वो Ethereums में होती है. Later on, they can convert it into dollars. If there are many, if you want to withdraw it, you can convert it into dollars later on. बेटा, that is only depend कि आपको पहले वो चीज आनी भी तो चाहिए. ठीक है, you have to spend, जैसे आप normal job करते हो या normal अपना business करते हो, you put your efforts, you put your knowledge, you learn various things, you learn various skills. Similarly, in that type, that is also one type of work. Okay, you have to put your efforts, you have to learn the skills of that business. You have to give your time. Currency, jaise hamare paas 1 rupees, 2 rupees, or 20 rupees hote hain, ye puch rahe ho, aap wahan pe ek hi hota hai, Ethereums. Okay, and there is a unit, that much Ethereums are equal to that much number of dollars, which you can convert. Huh? Created? क्रिएट कहाँ करनी है, फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं है. आपके अकाउंट में शो हो जाएगा कि यस, अगर आपका आर्टवर्क कुछ सेल हुआ, सपोज आपका आर्टवर्क सेल हुआ, सपोज 5 or 6 एथ्रियम्स का, तो योर अकाउंट विल हैव द डेबिट ऑफ 5 or 6 एथ्रियम्स, और जिसने बाय किया उसका डेबिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा नंबर. ठीक है, हम खुद नहीं डालेंगे. ठीक है, हाँ, जिसने आपका आर्टवर्क बाय किया उसके अकाउंट से डेबिट हो गया, उसके अकाउंट से माइनस हो गया, आपके अकाउंट में ऐड हो गया. मैम फिर से बता दो क्रिप्टो करेंसी. और अगर इफ ही स्पेंड्स ऑल द मनी, इफ ही स्पेंड्स ऑल द करेंसी, ऑब्वियसली दैट इज जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म.
डिजिटल करेंसी है प्रणय, नथिंग लाइक, अलग से कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिजिटल करेंसी लाइक वी यूज द नॉर्मल करेंसी, फिजिकल करेंसी, बट इन अकाउंट्स. यस मैम, व्हाई इट इज बैंड इन मेनी कंट्रीज? मे बी अभी रेगुलराइज्ड नहीं है इसका, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, कुछ के इसके रूल्स या उसके रेगुलेशन नहीं हुई हुई है, रेगुलेशन नहीं है, उसके कोई एक्ट नहीं है अभी, मे बी दैट्स व्हाई. बट इट डिपेंड्स, अभी तो इतना ज्यादा यूज है नहीं है, जैसे अभी आप लोगों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता है कैसे यूज करनी है, ठीक है, दैट मीन्स दे आर नॉट इन दैट मीन्स, हाँ जो यूज करते हैं दे आर फैमिलियर विद दैट. ओके ओके, नेक्स्ट टर्म क्रिप्टो जैकिंग. व्हाट इज क्रिप्टो जैकिंग मैम? बोलो. यस धीरेन, व्हाट इज क्रिप्टो जैकिंग? Ma'am, cryptojacking is a type of malware which mines away all the cryptocurrencies from the computer or account. Okay, clear. Next is ransomware. ये तो मैंने कल क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. What is ransomware? May I? Yes. Ransomware is a type of software that threatens to block access to the data. Yes, many ransomware attacks are currently जो है आपके हो रहे हैं, लास्ट ईयर हुए, अभी भी हैं. लास्ट वीक का जो है Accenture company का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया आपका, Accenture company का डाटा ransomware से ransom demand की जा रही है $50 million. कंपनी का डाटा ब्लॉक कर दिया, ransomware जो अटैक करते हैं, they put some software, they block the data of many TBs of your company and they demand ransomware, they demand ransom to release that data or to give your decryption tools. ठीक है, many companies, large companies का data, organization का data, government institutions का data, they can have your, many users had subscribed to that, they आपका personal data होता है, personal users का personal data होता है, information होती है, names, address, phone number, हम जो भी डालते हैं, they can encrypt or block that data and then they demand ransom for releasing that data. Ransomware, that is called ransomware. रैंसम, आपको जैसे नॉर्मल फिजिकली क्या होता है कि किसी को किडनैप कर लिया, रैंसम डिमांड नहीं करते हैं. यहाँ डाटा, डाटा समझ लो आपका किडनैप हो गया, डाटा उन्होंने हैक कर लिया, डाटा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, यू कैन नॉट एक्सेस दैट डाटा. कंपनी की जो आप कंपनी की जो पॉलिसीज है, कंपनी की जो सर्विसेज हैं, दे विल अफेक्ट. कस्टमर्स मे नॉट बी अवेलेबल, मे नॉट बी एबल टू यूज द सर्विसेज ऑफ दैट कंपनी, तो कस्टमर एक तो लूज हो जाएगा. कस्टमर को जब पता चलेगा कि हमारा डाटा वहां पे हैक हो गया है या एनक्रिप्ट हो गया, कस्टमर विल लीव द कंपनी, राइट? तो दे हैव टू रिलीज, मेक द डाटा, कुछ डील करके उनको डाटा रिलीज करवाना होता है या खुद अपने टूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं उस डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए. यस ऑब्वियसली डाटा अगर आपको चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देन यू हैव टू डू. ठीक है, समटाइम्स समटाइम्स हम कहते हैं ठीक है हमें नहीं चाहिए डाटा, डू इट, वी डू नॉट पे रैंसम. उसने जो चीज करी है बेटा, उसके लिए लर्न नहीं किया, उसके लिए लर्न नहीं किया है तो क्राइम है. ठीक है, आपको डिटेक्ट कर सकते हैं ना, साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है, दे कैन डिटेक्ट यू. अगर वो आपसे ज्यादा शार्प हैं, तो दे कैन आपके आईपी एड्रेस या जो आपका कंप्यूटर हैक करते हैं, तो आपको काउंटर अटैक भी तो हो सकता है, जहां से अटैक आया वहां पे असेस करो. मेनी ऑफ द मूवीज और मेनी ऑफ द सीरीज, वेब सीरीज में तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली हम एग्जांपल्स देखते हैं. आई हैड लेटेस्ट किसी सीरीज में मैंने स्पाईवेयर टाइप देखा कुछ. स्पाईवेयर क्या है? व्हेन समबडी इज स्पाइंग इन योर कंप्यूटर, इन योर डिवाइस, आप कुछ क्या सर्च कर रहे हो, दैट पर्सन इज नो, दैट पर्सन नोस कि आपने कब क्या सर्च किया, आपने ईमेल्स ओपन करी है, दैट पर्सन, जो कुछ आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, दैट इज अपीयरिंग ऑन द अदर पर्सन कंप्यूटर. आपको नहीं पता, unknowingly your computer has been hacked and somebody else is spying on your activities, what you are doing on computer. Password, 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 password.
बेटा वो अगर होटल का वाईफाई पब्लिक हॉटस्पॉट हो गया ना तो फिर वो तो वहां तो कोई भी यूज कर सकता है, तो आपको असेस करना या आपको डिटेक्ट जो है सर्च करना दैट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है ओके कम टू द टॉपिक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स गेट असेस टू योर प्रोटेक्टेड एंड सेंसिटिव डाटा. ठीक है how to make the confidentiality of information by using the firewalls wherever possible, maybe hardware firm, maybe software firm, or maybe combination of both. Use firewall because every action or every communication passes through that firewall. So if firewall finds any illegal information ya unauthorized ya jo aapke detect nahi kar sakta, identify nahi kar sakta, that communication will be rejected from the firewall, that will not reach to your data. ठीक है नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्राउज़र फायरवॉल सेफ. हां एमएस विंडोज फायरवॉल सेफ नॉट दैट मच सेफ तो है बट इट इज नॉट ब्लॉकिंग दैट मच ऑफ कम्युनिकेशन. ओके नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग्स टू ब्लॉक द ट्रैकिंग. ब्राउज़र में आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो हम ज्यादातर यूज ही नहीं करते. ठीक है तो ब्राउज़र की सेटिंग्स को यूज करके हम ट्रैकिंग को पॉपअप्स को ब्लॉक कर सकते हैं. राइट हम कुकीज को डिसेबल कर सकते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स सिलेक्टेड है हम उन्हें डिसेलेक्ट कर सकते हैं या जो ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं. तो गो फॉर द सेटिंग्स सर्च फॉर देम. ठीक है और उनके मीनिंग देखो कि किस सेटिंग का क्या पर्पज है क्या मीनिंग है. जैसे आप फेसबुक यूज करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो देर आर मेनी काइंड ऑफ प्रेफरेंसेज एंड सेटिंग्स अवेलेबल बट वी नेवर यूज देम मोस्टली है ना. बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हम सेटिंग्स नहीं चेक करते हैं कि कौन सी सेटिंग से क्या हो रहा है. हाँ तो बेटा वो सब चीजें हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेटिंग्स. ठीक है बाय डिफॉल्ट सम सेटिंग जो ज्यादातर सेटिंग जो होती है वो अलाउ वाली होती है तो आप उनको चेक कर सकते हो. ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल. ठीक है बाय यूजिंग द प्राइवेट ब्राउजिंग. देन बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट क्या पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज वट एवर यू आर पोस्टिंग ऑन इंटरनेट दैट इज फॉर पब्लिक. ठीक है आपने अपनी फोटोग्राफ्स डाल देते हो लाइव लोकेशंस डाल देते हो तो दैट मीन्स पब्लिक एवरीबडी नोज कि वेयर यू आर एट राइट नाउ वट यू आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है वो अपने पहले सेटिंग्स में चेक करना पड़ेगा ना आपको. अगर आपने वो सेटिंग्स नहीं करी है तो एनीबडी कैन वॉच या अगर आपका अकाउंट हैक हुआ हुआ देन एनीबडी कैन वॉच. मे बी आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा आईडी है जो आपको तो लगता है फ्रेंड का है बट वो फ्रेंड का है ही नहीं. कोई और किसी फ्रेंड आपके फ्रेंड के नाम से आपके फ्रेंड लिस्ट में है देन फेक आईडी के साथ है देन योर डाटा इज नॉट सिक्योर. योर इंफॉर्मेशन वट एवर मैसेजेस यू आर पोस्टिंग या वट एवर फोटोग्राफ्स यू आर पोस्टिंग दैट इज नॉट सेफ. ठीक है ओके देन ensure safe sites while entering crucial information like banking details or credit card details. पहले चेक करो कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो सेफ है. ज्यादातर कोशिश करो कि कहीं पे भी लिंक दिया हुआ लिंक्स पे क्लिक करने की बजाय डायरेक्टली टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इन वेब एड्रेस बार. ठीक है एंड चेक करो वहां पे https s for secure http की बजाय https है या आपके एड्रेस बार में एक लॉक का आइकन आता है कुछ वेबसाइट्स के साथ. ठीक है दे आर सपोज टू बी जेन्युइन वेबसाइट्स एंड सिक्योर वेबसाइट्स. हाँ हाँ ठीक है तो व्हाइल ब्राउजिंग और व्हाइल वर्किंग ऑन ऑनलाइन चेक दी सेटिंग्स. केयरफुली हैंडल ईमेल्स. ईमेल्स जो आपको आती है मे बी आजकल आप ज्यादा आप लोग तो शायद यूज नहीं करते बट ईमेल्स आर स्टिल इन यूज. ठीक है वी यूज देम. कंपनी की ईमेल्स आती है. ठीक है आप लोग कई कई जगह कई वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हो दे सेंड यू द ईमेल्स. प्रमोशनल ईमेल्स हो सकती हैं इंफॉर्मेशन ईमेल्स हो सकती हैं वेरिफिकेशन ईमेल्स हो सकती हैं. ठीक है तो आपको बी केयरफुल बाय ओपनिंग द ईमेल कि आप क्या ओपन कर रहे हो कहाँ क्लिक कर रहे हो क्यों क्लिक कर रहे हो वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू क्लिक इट देयर. जरूरी है यहाँ पे क्लिक करना आपके लिए. ठीक है ये नहीं कि आपने आपको बहुत आ दिया अच्छा ठीक है आज आपकी लॉटरी लगी है आपको इतने प्राइस मिलेगा क्लिक ऑन दिस लिंक. आपने क्लिक कर दिया मे बी आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया वायरस इंस्टॉल हो गया आपको नहीं पता. ठीक है यू एक्टिवेट एनी लिंक एंड दैट लिंक में आपको जो दिखाना था वो तो मिला नहीं वायो कंप्यूटर में वायरस जरूर आ गया या कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया.
डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क. ये कल की मैंने बताया था, व्हेन यू आर यूजिंग सम पब्लिक हॉटस्पॉट्स वायरलेस नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, डू नॉट गिव एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंकिंग डिटेल्स. अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स. अब तो ज्यादातर है नहीं वैसे, बट जो पहले थे कैफेज वगैरह में पब्लिक कंप्यूटर्स यूज करते थे, अवॉइड यूजिंग दैट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स. यस. Okay. Maybe beta, you may get many phone calls like that. आपके पास फोन कॉल्स आ सकती हैं कि यस मैम आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपके एटीएम कार्ड का डिटेल सेंड करो तो दैट वी कैन गिव अ न्यू वन. आई गॉट दिस कॉल बट आई रिफ्यूज बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू हैव द न्यू वन आई विल गो टू द बैंक. ठीक है. हाँ हाँ. मे बी समटाइम्स ये मैसेजेस आ सकते हैं, यस वी आर एडिंग सम मोर बेनिफिट्स टू योर कार्ड. ठीक है, तो गिव मी, यू विल गेट वन ओटीपी और दिस काइंड ऑफ, यू गिव योर फोन नंबर, यू विल गेट दिस ओटीपी, गिव द ओटीपी, सो यू विल गेट द, वी कैन अपडेट योर एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू एड मोर डिटेल. सो दे आर मतलब लोगों को फ्रॉड के साथ आपकी इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड हमारे साथ कुछ ठीक है जो अवेयर हैं, दे मे अवॉइड इट, बट जो ज्यादातर अवेयर नहीं है तो दे मे फॉल फॉर दैट. Maybe kids, maybe some elderly people also, they are which are not high tech, जो आपके high tech से भी नहीं होते हैं, जो technology के साथ ज़्यादा comfortable नहीं होते हैं, they may fall for that. हाँ. ओके, नेक्स्ट इज मालवेयर. मालवेयर हमने लास्ट ईयर पहले भी पढ़ा हुआ है. मालवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस मींस हार्मफुल. ठीक है, विच इज नॉट गुड. मालवेयर इज अ जनरल टर्म यूज टू रेफर टू द वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाइवेयर, एडवेयर एटसेट्रा. इन अदर वर्ड्स, it is unwanted software that someone else wants to run on your computer or making it behave in a way which you do not approve of. theek hai, it may be virus, it may be trojan horses, it may be worms, it may be computer virus. kya hota hai, let's check your knowledge. computer virus, we had learned these terms. virus 6th class mein tha, 7th mein bhi tha, colorenica. A program, virus is also a computer program, it is also a type of computer software, but instead of doing some beneficial work, it harms your computer. It disrupts the working of your computer. Okay, computer viruses are the malicious codes or programs that cause damage to data or files on a system. They can delete the data. Company ka data hai, zaruri hai. Virus enter karwa diya, it is deleting the data. Delete kar diya, company ka to loss ho gaya. ठीक है, वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. बूट वायरस हमने पढ़ा, जो बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स और एप्लीकेशंस और प्रोग्राम मैक्रोस, ऑल काइंड ऑफ माय वायरसेस आर देयर. नेक्स्ट इज वर्म्स. व्हाट आर वर्म्स? इट इज अ टाइप ऑफ वायरस. इससे क्या होता है, दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स, they make a duplicate copies of itself, creating ek ki do hi, do ki char hi, char ki aath ho gayi. They create the multiple copies of themselves, usually on network or if in a single computer. Agar uski duplicate copies banti jayengi, it will consume all the storage space automatically. Apne aap duplicate copies banti rehti hai uski. Whenever you jis file ke sath attached hai, agar wo file copy kar rahe hai, they are, wo to ho gaya virus copy ho gaya. ठीक है, बट वॉर्म्स और सेल्फ रेप्लीकेटिंग होते हैं. सेल्फ रेप्लीकेटिंग मीन्स मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इटसेल्फ अगेन एंड अगेन.
maybe on some action, maybe on some कोई ट्रिगर उसके साथ अगर अटैच है कि ये ट्रिगर के साथ होना है मे बी अकॉर्डिंग टू दैट मे बी विदाउट एनी ट्रिगर ओके फ्रोजन हॉर्सेस डैमेज को करते हैं होते क्या इट इज यूज्ड टू स्टील द डाटा टू बी हार्मलेस बट टू डैमेज द फाइल्स इट इंस्टॉल्ड बाय इट्स ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम अपीयर टू बी यूजफुल But instead of being any useful thing, doing any useful thing, they harm your data or steal your data. जैसे ले मैंने बोला emails में आपके पास कोई information बहुत आ रही है या software की ad आ रही है कि yes this software is very useful, you can do this, आप software install कर लेते हो. But instead of doing that, they can also harm your data. ठीक है? तो मैम Trojan horse, मैम कोई notepad की file भी Trojan horse हो सकती है. नोटपैड की फाइल में यस मैम इट कैन बी एनीवेयर प्रोग्रामिंग इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग ऑफ द ट्रोजन हॉर्स ठीक है डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग उसमें क्या प्रोग्राम किया गया ट्रोजन हॉर्स का वर्क उसका जॉब क्या होगा प्रोग्राम किया गया किस ट्रिगर क्या सेट किया गया उसके लिए ऑल दीज थिंग्स कैन बी देयर It could be with any exe file, it could be with attached in emails, it could be in some messages. Or it could be on some website links. Okay, next is spyware. जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया to spy on your computer. To software that will spy on your computer. Spy means जासूसी करना. Report this data to the people willing to pay for it, or it tracks the user's behavior and reports the information back to the central source or some personal user. अगर कोई एक इंडिविजुअल यूज कर रहा है स्पाइवेयर को दे कैन यूज द डिटेल्स ऑफ योर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर फॉर देयर पर्सनल यूज फॉर हार्मिंग यू ओके नेक्स्ट इज रैंसमवेयर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म इन वेरी डिटेल रैंसमवेयर मींस इट इनक्रिप्ट्स द सेंसिटिव डाटा जो रैंसमवेयर अटैकर्स हैं दे विल इनक्रिप्ट द सेंसिटिव डाटा एंड दे डिमांड रैंसम टू डिक्रिप्ट इट ठीक है एडवेयर ठीक है मे बी इन योर ब्राउजर ब्राउजर में आपके पास रिपीटेडली एड्स आ रही है अनवॉन्टेड एड्स आ रही है यू हैव टू ब्लॉक देम और यू हैव टू क्लोज देम अगेन एंड अगेन और समटाइम्स ये होता है कुछ सॉफ्टवेयर में एड्स ऐसी होती है यू कैन नॉट क्लोज देम इवन आपको वो पूरी देखनी पड़ती है जब तक आप वो पूरी कंप्लीट नहीं कर लेते आपका प्रोग्राम ही वर्क नहीं करता हाँ समटाइम्स यू कैन स्किप देम समटाइम्स यू कैन नॉट स्किप देम ठीक है तो एडवेयर दीज आर द प्रोग्राम दैट डिलीवर अनवांटेड एड्स टू योर कंप्यूटर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स एंड दे कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ ऑब्वियसली जब एड डाउनलोड हो रही है या एड आपके कंप्यूटर पे प्ले हो रही है आपकी बैंडविड्थ आपका डाटा यूज हो रहा है ठीक है Then adware is similar to spyware. However, it may be installed with your consent. आपने किसी option पे click कर दिया या yes कर दिया तो ads are continuously displaying in your browser. So it is advised that thoroughly read the installation agreement. हम सब कोई software install करते हैं. Maybe हमने अब notice करना. कभी भी software install करते हो ना तो last वाली screen पे wizard में sometimes ये होता है. कुछ options selected होती हैं. In addition to this, you can also install this. एक या दो सॉफ्टवेयर छोटे छोटे और एड किए होते हैं अगर आपने नोटिस नहीं किया सीधा फिनिश पे या नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो एडिशनल थ्रू सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो वो whenever there is a wizard for installing the software, read the terms carefully, read the options carefully. ठीक है एग्रीमेंट या आपके पास जो आपके टर्म्स ऑफ आपकी टर्म्स आती हैं यूज करने के लिए वी यूजुअली स्किप देम ठीक है बट देयर मे बी सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन देम आल्सो यू हैव टू रीड देम जस्ट रीड देम या आपके पास जो विजार्ड में ऑप्शंस आ रही है कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है उसको कस्टमाइज कर सकते हो तो उसको डिसलेक्ट कर सकते हो या ब्राउजर में आप पॉपअप की सेटिंग्स रख सकते हो ब्लॉक करने के लिए पॉपअप्स को ब्लॉक करने के लिए उसको कर सकते हैं मैनी आपके पास वो यूज हो सकते हैं आपके एक्सटेंशन यूज होती हैं ब्राउजर में काफी सारी एक्सटेंशन ऐड हो जाती हैं आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो ब्राउजर में समटाइम्स मुझे एक्सटेंशन चाहिए वॉल्यूम को
हाई करने के लिए कि मेरे वीडियो प्ले कर रही हूँ, वॉल्यूम जो है वीडियो का इतना ही है, बट आई वॉन्ट टू रेज इट्स वॉल्यूम. तो एक्सटेंशंस कैन बी एडेड इन ब्राउजर टू रेज द वॉल्यूम बूस्टर, वॉल्यूम बूस्टर्स. सिमिलरली मेनी एक्सटेंशन आर अवेलेबल. आप कभी क्रोम नहीं होगा यूज कर रहे हो तो क्रोम में चेक करना, सर्च करना एक्सटेंशन फॉर क्रोम ब्राउजर. You will get a list of extensions which you can add in your browser. ठीक है, या अगर कुछ already added है आपको नहीं चाहिए तो आप उनको remove भी कर सकते. Extension means small programs which are incorporated in the browser to help you. ठीक है, okay. Next one is damages caused by your malware. ठीक है, damage or delete files. ठीक है, आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, स्लो डाउन योर कंप्यूटर. ये वायरस के जो हमने ऑलरेडी कॉजेस करे, इफेक्ट्स करे, व्हाट आर द कॉजेस? इनवेड योर ईमेल प्रोग्राम, अलर्ट ऑल्टर्स पीसी सेटिंग्स, आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स ही चेंज कर दिया, आपके ईमेल प्रोग्राम को अटैक कर दिया, आपके ईमेल्स को रीड कर लिया, या उसमें से ये भी हो सकता है कि आपके ईमेल्स के बहुत सारे एड्रेसेस हैं, आपकी एड्रेस लिस्ट सारी हैक कर ली. ठीक है, वो एड्रेस लिस्ट यूज कर सकते हैं टू पुट सम एड्स, सबको एड्स भेज दी, या आपके ईमेल आईडी से बाकी सबको कुछ मैसेज भेज दिया. ठीक है, तो एडवेयर अट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, देन डिस्प्ले एरेज ऑफ अनोइंग एडवर्टाइजिंग. ऑल दीज आर द कॉजेस डैमेजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय मैलवेयर. वन मोर इज द कॉम्प्रोमाइज योर डाटा और कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटी. कॉम्प्रोमाइज मीन स्टीलिंग, आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज दैट इज नॉट सिक्योर. योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड्स, आपकी हैबिट्स क्या है, क्या सर्च आप ज्यादातर करते हो, किस तरह की वीडियोस देखते हो, तो दैट कैन बी यूज. ओके, एडवेयर ट्रैक. तो बेटा एडवेयर जब आपके एड्स पोस्ट होती है जिस वेबसाइट से आ रही है, आई टोल्ड यू मेनी वेबसाइट्स हैव ट्रैक यू बाय यूजिंग योर आईपी एड्रेस, by using your search history, by using your browsing history. तो जिस तरह की browsing history है, जिस तरह की आपकी searching patterns है, उसके accordingly ads आ रही है आपके पास. ठीक है, आपकी उसको देख कर आपके पास ads आ रही है उससे related. Okay.